हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूं वो सोनिका रुपाया का है। सोनिका रुपाया को तो आप लोग जानते होंगे, जो नेपाल की बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं और एक बहुत बड़ी डांसर भी रह चुकी हैं, RJ भी रह चुकी हैं। तो इनका एक वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है, रो रही हैं और कुछ उल्टे सीधे लैंग्वेज भी इन्होंने यूज़ करी है। वो किसके लिए यूज़ की है? और वो लाइव शो पे किया है इन्होंने, लाइव मेरे ख्याल से फेसबुक पे लाइव आई थी, वहाँ पे उन्होंने किया है। तो चलिए इनका वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे और फिर बात करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला, ऐसी क्या परेशानी थी उनको बोलना पड़ा, वो किसी परेशानी में लग रही है। मैंने वीडियो देखा, उनको बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है वो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में उसको डिस्कस करते हैं, ओके। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप लोगों को। आप मुझे कमेंट टेक्स्ट में या फिर इंस्टा फेसबुक मैसेज करके भी अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ओके दोस्तों। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, बाद में उसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है, चलते हैं हम यूट्यूब पर और यहाँ पे हम देखेंगे सोनिका रुपाया। बहुत जानी मानी हस्ती हैं नेपाल की, बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। सोमिका लिख दिया मैंने, एक मिनट, सोनिका, अच्छा जो मैंने देखा हुआ है सोनिका रुपाया न्यू वीडियो, ये देखो मैंने आधा देखा था, फिर मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके 1 2 3 गो। एक मिनट, ईयरफोन तो मैंने लगाई, ईयरफोन लगा लेते तभी तो सुनाई देगा भैया, ठीक है ये लगा लिए मैंने ईयरफोन। अब हम देखेंगे इनका वीडियो, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टार्टिंग से देखेंगे ना, एकदम स्टार्टिंग से। Now make that motherfucker hammer sound like कति कुराहरू होइन यसरी मिडियामा आएर नबोलौँ भन्छु, कति कुरा नबोल्न खोज्दा खोज्दै पनि बोल्न बाध्य गरिदिन्छन्, आवेशमा ल्याउँछन्, रिसाउँदिनँ, शान्त हुन खोज्छु, साइको हुँदिनँ, बिच हुँदिनँ भनेर आफूलाई कन्ट्रोल गर्दा गर्दा नि म्याच सिक्नेहरू कतिले चाहिँ साइको बनाइदिन्छन् के। ह्युमन मान्छेको शरीर छ नि, एक दिन सिद्धिएर जान्छ कि माकसुम होइन, तर यसरी साइको बनायो भने माकसुम मान्छे मरेको थाहा हुँदैन। त्यति याद गर्नु, डोन्ट ट्राई टु मेक ह्युमन बिङ साइको, द्याट्स माई होम रिक्वेस्ट, आइ एम टेलिङ यु भेरी भेरी फकिङ नाइसली, डोन्ट ट्राई टु मेक मी अ क्रेजी वुमन, यु पिपल आर मेकिङ मी साइको, मदरफकर्स, किन मसँग खेल्छ सबैजना, व्हाई द फक यु ट्राई टु प्ले विथ मी every fucking time, every fucking time, fucker, bhai kya hua inke sath, motherfucker, ram gautam muji goli handi chu talai tau ma bas aina bhane muji tera thau mai tera aukat ke bachcha bachila sex gardai hine tyo kholu na paros psycho keti ho tera hai kya sab details sab muji, don't try to play with this fucking lady, don't try, motherfucker, taile mala psycho maile bhani sakya thie ta muji ma sanga game khelaina, muji paisa dhulo haina, manav ta dhulo, manav ta sanga khel bhar gari bhane marcha manche, don't try to play with this fucking asshole, ma pagal hu muji sablai thok dinchu tespachi ma pagal lai chinchan, शान्तसँग जिन्दगीलाई चलाउन देऊ, होइन भने म औका देखाइदिन्छु, म आकसम राम गौतम होसियार, सोनिका इज अ साइको। उन्होंने बोला राम गौतम होशियार, राम गौतम कौन है ये राम गौतम जिसके बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं, कुछ इनके बारे में उसने कुछ किया है कुछ गलत, ये पैसे की और ह्यूमैनिटी की बातें भी कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे साइको मत बनाओ, मतलब इनके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर क्या हुआ है मुझे नहीं पता, वीडियो देखते हैं आगे। यार आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या पूरी स्टोरी कुछ जानकारी है तो बताइए, वीडियो आगे देखते हैं। लेडी
चार पाँच होइन नौ वर्ष मैले एकदम साइको तरिकाले जिन्दगी जिइसकेँ, कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, त्यति याद गर्नु। डोन्ट मेक दिस क्रेजी वुमन होसियार नभए मा के भयो त, के भयो, साइको नबनाऊ मम्मी, मलाई साइको नबनाऊ, आई एम अलरेडी साइको फकिङ एसहोल प्लिज। त्यो मुजीलाई मैले ठाउँमा ठेगान लाइन भने मान्छे एउटा मर्दैछ मेरो हातले, मेरो कारणले, त्यो मेरो कारणले मर्छ होसियार, बिकज यु मेड मी क्रेजी। लुक एट दिस, दिस इज सोनिका फकर, दिस इज नट सोनिका, दिस इज साइको बिच। तिमीहरूले यो कुरालाई निकाल्न खोज्छौ होइन, सी सी पागल कसरी हुन्छ मान्छे, पागल हुन्छ, त्यति याद गर्नु। डोन्ट ट्राई टु प्ले विथ मी, कोही मान्छे मरेछ भने मेरो कारणले मर्छ अब, आई स्वेयर अन गॉड, स्पेशली द्याट फकिङ राम, मान्छे राम मान्छे हराम, तै मुजीलाई मैले ठाउँमा राख्छु, अनि मात्र सबलाई संसारलाई देखाउँछु दुनियाँलाई कसरी जित्छु भनेर। मुजी बिहानदेखि वाइया दिमाग खराब गरेछ, यही हो तरिका, यही हो तरिका म्याच, आफ्नो औकातमा बस्छ सबैजना, नेपाली भएर नेपालीलाई साथ दिए, होइन भने यो औकात त्यही, यो केपी ओलीले जुन तरिकाले सरकार चलाइरहेको छ माकोसम्म बाँच्न सक्दैनन्, कोही पनि डिप्रेस हुन्छन् साइक। Don't play with this fucking Sonika. I'm requesting you everybody. This is my final fucking request. If you try to make me psycho, then I'm gonna kill a lot of people. I'm gonna kill a lot of people. Don't make me psycho crazy woman. That's my humble request. Otherwise, everything gonna end. Everything gonna end. Oh, bhai. Oh, bhai. Oh, ho. ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में, इनकी आँखों में से आंसू निकल रहे हैं, नसें यहाँ से नसें आ रही हैं, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा इनको परेशान कर दिया है किसी ने। और ये बार बार एक नाम ले रहे हैं, राम गौतम, कौन है राम गौतम, क्या किया है राम गौतम ने, और ये बोल रहे हैं कि राम गौतम मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, तू क्या क्या करता है, क्या क्या मतलब, और इसमें नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पी ओली जी का भी नाम लिया है, तो मतलब कुछ इनके साथ कुछ ज़्यादा ही उसने बुरा किया है। बोल रही है मुझे साइको मत बनाओ, पता नहीं उन्होंने बुरा किया है या नहीं किया, या इनको ऐसा लग रहा है, पूरी स्टोरी मुझे पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने से ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा इनको हर्ट हुई है, बहुत ज़्यादा इनको बुरा लगा है। लेकिन यार ये इस रूप में इनको देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, क्या कहें इनके बारे में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो अगर इसमें इस वीडियो से अगर किसी को कुछ हेल्प मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिले इनके बारे में, जो सच्चाई है वो पहुंच सके। आप लोगों को वीडियो के बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पूरी स्टोरी मुझे इसके बारे में नहीं पता, आप लोग बताइए। बाकी बस क्या कहें अब यार, मेरे को तो इनका चेहरा देखिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी बातें सुनी आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों अगर कोई और वीडियो है जिसमें कि आप लोगों को पता हो कि जिस वीडियो के कारण या जिस वजह से इनका ये रूप हमें देखने को मिला है, उस वीडियो का लिंक अगर मिल सके या कुछ हो इमेजेस तो मुझे शेयर कीजिए, मैं उसके ऊपर भी अपनी स्टोरी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके चलिए, लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, साथ ही साथ सोनिका को भी अगर कुछ सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से, इनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, या फिर अगर ये गलत हैं तो जिसकी भी थ्रू ये गलत हैं तो इनके अंदर ये जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, हेल्प कीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, तब तक के लिए। Bye-bye.